हिंदी भाषा में फेंकू शब्द का अर्थ होता है ऐसा बंदा जो कि अपनी तारीफ में बहुत ज़्यादा झूठ बोले, उसको फेंकू बोल रहे होते हैं। अब मोदी साहब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन उनके क्रिटिक्स इनको फेंकू के नाम से बहुत लंबे अरसे से याद करते रहे। 2014 से भी पहले इनके ऊपर ये नाम पड़ा हुआ था, इनके क्रिटिक्स इनको पहले से ही फेंकू बोल रहे होते हैं। जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे ना, उस जमाने से कहीं इनको इस नाम से याद किया जाता रहा है, ये नाम उनके पीछे यानी तब से लेकर पड़ा हुआ है। रेफरेंस के तौर पर आप इंडिया टुडे की 2013 की ये स्टोरी देखिए, मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बना था ना, तो ये 2013 की स्टोरी है। इफ नरेंद्र मोदी इज फेंकू नंबर वन, देन हु इज फेंकू नंबर टू, तो ये तब से लेकर मशहूर है। अच्छा, एक रीसेंट इनका फेंकने का नमूना हमें आजकल देखने को मिल रहा है। हुआ ये कि मौसूफ एक जगह गए, मंदिर का उद्घाटन करने के लिए गए, इफ्तिताह करने गए मंदिर का, और वहाँ खड़े होकर अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। कुछ समझ में इनको खुद भी नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा हूँ, और ख़ुद को कुछ सुप्रीम किस्म की चीज़ इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं ख़ास बंदा हूँ, मुझे ख़ास तरीके से चुना गया और मुझे स्पेशल तरीके से दुनिया में भेजा गया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की तरह ये खबर देख लीजिए कि इंडिया नाउ अ ग्लोबल लीडर, सेज प्राइम मिनिस्टर क्लेमिंग दैट गॉड हैड इंटरेस्टेड हिम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द टेम्पल ऑफ द नेशन एंड लीडिंग इट ऑन द पाथ ऑफ ग्रैंडियर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे सेड दैट ही वॉज चोजन टू परफॉर्म मेनी गुड वर्क्स एंड वॉज कमिटेड टू कम्प्लीटिंग देम। मुझे चुना किया खास तौर पर, मुझे ये मोदी है इसको चुनते हैं खास तौर पर, और फरमाते हैं कि अब जो मैंने काम किए ना, ये हजारों साल तक याद रखे जाएंगे मेरे काम। तो ये असल में वो जो फेंकू की डेफिनेशन है ना, उसमें एक और इन्होंने अपने क्रिटिक्स को मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है कि इसको भी वो अब वो यूज करेंगे इनके अगेंस्ट, कि देखो इस तरह की बातें फेंकू ही कर सकता है कि मैं चोजन हूँ, मैं तो कोई बहुत बड़ी तोप किस्म की चीज़ हूँ, मैं तो हजार साल की हिस्ट्री लिख रहा हूँ। लेकिन जहां इन्होंने ये कहा कि मैंने इंडिया को ग्लोबल लीडर बना दिया है, तो वहीं पर ही एक ऐसी डेवलपमेंट और हुई है जो कि इनका मुंह चिढ़ा रही है और इनके सारे क्लेम्स के गुब्बारे से हवा निकाल रही है। वो चीज हुआ ये है, इंडिया और चाइना के दरमियान 21वां राउंड ऑफ टॉक हुआ है, 21वां राउंड ऑफ टॉक्स, 20 हुए थे पहले, फेल हो गए थे। और टॉक्स किस बात की हो रही है, हमारा इलाका खाली करें, जो लद्दाख के ऊपर सैकड़ों किलोमीटर के ऊपर चाइना आ गया है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि चाइना ने कब्जा किया हुआ है, क्योंकि राइट फ्रॉम 1947 चाइनीज़ का इसके ऊपर क्लेम है। चाइनीज़ कहते रहे कि ये हमारा इलाका है, तो मैं यूँ कहूँगा कि चाइना ने अपना इलाका इंडिया से वापस छीना है। 2020 से पहले यहाँ पे, जून 2020 से पहले ये इंडिया का इलाका था, लेकिन अब ये चाइना के पास है। तो ये कह रहे हैं मैंने इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाया है, मोदी साहब बोल रहे हैं वर्ल्ड लीडर बना दिया है। लेकिन ये वर्ल्ड लीडर के काम होते हैं कि चार साल हो गए आपको मिन्नतें तरले कर रहे हैं, हाथ पांव जोड़ रहे हैं, 21 मरतबा मिल चुके हैं उनसे कि सर हमारी ज़मीन खाली करें। क्यों करेंगे खाली भाई, जब आपके अंदर कैपेबिलिटी है ही नहीं। उन्होंने चाटे छूटे मार के आपके फौजियों को पीछे भगा के ज़मीन ली है, ऐसे ही थोड़ी आके बैठ गए वो। अगर उनको ये ज़मीन खाली ही करनी होती तो ये आते ही क्यों, आगे लड़ते ही क्यों। इसका मतलब है ये ट्रक की बत्ती के पीछे मोदी ने सारी कौम को लगाया हुआ है, पूरे इंडिया को लगाया हुआ है। यानी उनको मंदिर दिखा रहा है और खुद को अपने आप को पता नहीं कौन सा कोई बड़ा लीडर, चोजन किस्म का लीडर बता रहा है। और काम देखिए जरा, इलाका डिफेंड नहीं कर सका है और क्लीन चिट भी दे दी हुई है उसने कि कोई नहीं घुसा। लेकिन एट द सेम टाइम 21 मरतबा मिल चुका है और 21वें राउंड ऑफ टॉक में भी कुछ भी नहीं हुआ, फेल हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि इंडिया चाइना होल्ड 21st राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स फोकस ऑन फुल डिसएंगेजमेंट एट रिमेनिंग एरियाज अलोंग LAC। इन टॉक्स में किसी किस्म का कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ, फेल। जैसे पिछले 20 राउंड ऑफ टॉक्स फेल हुए थे, ये भी फेल हुआ है। ये जब 6 जून को मिले थे ना पहली मरतबा, फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स मेरे ख्याल से जब ये चांटे छूटे पड़े थे इंडियन मिलिट्री को और वहां से बहुत बड़ी तादाद में इंडियन जो फौजी थे उनको चाइनीज गिरफ्तार करके भी ले गए थे, जो इलाके खाली करवाने के लिए आए थे वहां पर, ये सारा हो रहा है। असल में वो जो मोदी ने 5 अगस्त 2019 को लद्दाख और कश्मीर पर से आर्टिकल 370 खत्म किया था ना, तो उसके रेस्पॉन्स में चाइनीज ने ये किया था।
वो आके बैठ गए थे बहुत बड़े इलाके के ऊपर। तो ये मोदी ने असल में इंडिया के हाथों से ये इलाका गंवाया है। अब वो पहले इंडिया के कब्जे में था इलाका ऑलरेडी, ये करने की ज़रूरत नहीं थी आर्टिकल 370 वाला ड्रामा जो उसने किया है। उसके नतीजे में हुआ ये कि कोई एक इंच तो इंडिया को एक्स्ट्रा नहीं मिला, उल्टा उनके हाथ से ज़मीन चली गई है। तो ये जब 6 जून को फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक हुआ था ना, आपको पता है उस वक्त मैंने कहा था कि ये भूल जाए अब इस इलाके को, नहीं मिलेगा वापस। शेखर गुप्ता साहब समेत इंडिया के बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो कह रहे थे उस वक्त के जी बर्फ़ पिघल रही है, दोनों मुल्क अब थोड़ा क्लोज हो रहे हैं, डिसएंगेजमेंट होगी वगैरह वगैरह। लेकिन उस वक्त भी मैंने कहा था, ये तब की बात है जब ब्रॉडर व्यू के शुरुआती एपिसोड्स आप देख रहे थे, मेरे ख्याल से 6ठा या 7वां एपिसोड था उस वक्त, तो तब मैंने कहा था इंडिया चाइना टॉक्स फेल्ड, चाइना रिफ्यूज्ड टू लीव लद्दाख, ये 6ठा एपिसोड था। अभी तो 25-26 एपिसोड 2700 एपिसोड हो गए, ये 6ठा एपिसोड था, बहुत पहले 3-4 साल पहले की बात है। तब से लेकर मैं बता रहा हूँ लोगों को, ये झूठ बोल रहे हैं, मोदी सरकार झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा और ना ही कुछ होगा, ये गया इलाका हमेशा हमेशा के लिए गया। इसकी वजह भी मैं यहाँ पर बताता रहा हूँ। सारे इंडियन एनालिस्ट कह रहे थे नहीं मिलेंगे वापस, अभी टॉक्स हो रहे हैं ना। आपको पता चला अभी क्या हुआ है, 21वां राउंड ऑफ टॉक्स हो गया देखते ही देखते, इन 3-4 सालों के अंदर आप 20 मरतबा इनसे मिल चुके थे, और ये 21st राउंड ऑफ टॉक्स हुआ, ये 5 महीने के गैप के बाद हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर भी। क्यों नहीं मिलेंगे वापस, इसके लिए जरा आप ये मैप देखिए, इसमें ये जो हॉट स्प्रिंग का इलाका देख रहे हैं और फिर ये जो देशपांग प्लेन्स का इलाका देख रहे हैं ना, इसमें गलवान और देशपांग प्लेन्स के जो इलाके हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉट स्प्रिंग थोड़ा सा इस साइड पे है, ये इतना इंपॉर्टेंट कह नहीं सकते, इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। वो जो ऊपर वाले दो है ना, गलवान और देशपांग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है और सबसे बड़ा इलाका है भी यही, देशपांग का और गलवान का। ये पाकिस्तान के पास है, सियाचिन के पास है। और अगर आप ये मैप देखिए तो इसमें आप देखें देशपांग के पास आपको दौलत बेग ओल्डी नजर आती है। आपको पता है ये दौलत बेग ओल्डी क्या है, दौलत बेग ओल्डी इंडिया का एयरबेस है, इंडियन एयरफोर्स का, और यहां से बैठ के शाराए काराकरम जो कि पाकिस्तान और चाइना को मिलाती है, और सीपैक का दरवाजा यही शाराए काराकरम में BRI जो पाकिस्तान के अंदर है, तो यहां से बैठ के इस इलाके को कंट्रोल किया जा सकता था। तो चाइनीज जो यहां पे आए हैं देशपांग प्लान्स पे, तो ये असल में दौलत बेग ओल्डी की तरफ जाने वाले रास्ते के ऊपर बैठ गए हैं। इंडिया की कोई सप्लाई लाइन नहीं जा सकती यहां चाइना की मर्जी के बिना इस एयर बेस के अंदर, तो ये ले गया चाइना, ये इलाका पूरा का पूरा ले गया, इसके ऊपर पाकिस्तान बैठा हुआ है दूसरी साइड पे। लद्दाख वो इलाका है जो कि पाकिस्तान के साथ भी जिसका बॉर्डर है, चाइना के साथ भी बॉर्डर है, तो ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाके हैं, सिक्योरिटी के एतबार से इंपॉर्टेंट इलाके हैं। इंडिया ने ये गंवाए हैं और ये इसके दौर में गंवाए, मोदी के दौर में, और ये यहाँ बैठ के भाषण क्या दे रहा है, मुझे तो देखे ना, मुझे तो चूज किया है, मुझे तो ऐसे स्पेशल काम के लिए भेजा गया, मैं कोई सुप्रीम लीडर हूँ बहुत बड़ा, मुझे स्पेशल काम के लिए चुना गया है, मैं तो विश्व गुरु बना चुका हूँ इंडिया को, ढकोसले वो फेंकू वाली हरकतें वही, आज से 10 साल पहले जो 2 नंबरी ये गुजरात में कर रहे होते थे आज इंडिया के लेवल पे बैठ के कर रहे होते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, 4 साल हो गए सफाई के साथ, इन्होंने मामू बनाया पूरे के पूरे इंडिया को, 1 इंच वापस नहीं ले सके, बैठ के वहां सूप पी के चाय पी के वापस आ जाते हैं और चाइनीज कहते हैं नहीं निकलेंगे यहां से, तुम निकलो इधर से, बाकी का इलाका भी खाली करो, ये हो रहा होता है टॉक्स के अंदर। और इस सारे का सारा जो इंडिया को स्ट्रेटेजिक लॉस दिया गया है, जिसको इंडिया लंबे अरसे तक जिसका दर्द महसूस करता रहेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा दौलत बेग ओल्डी और ये जो ऊपर के इलाके हैं स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जंगी एतबार से इंपॉर्टेंट इलाके हैं, वो गंवाए हैं इंडिया ने। तो ये मोदी के दौर में हुआ है और इसकी तमाम तर जिम्मेवारी मोदी की है, और ये मंदिर के पीछे और रिलीजियस कार्ड के पीछे अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 4 साल से, लेकिन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा नुकसान इंडिया का ऑलरेडी कर चुके हैं।